पास पटरी पर स्लीपर। स्लीपर क्या होता है देखो बच्चों, स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते। जो पटरी होती है ना, तो उसके आर पार जो है लकड़ी के क्या लगते हैं, तख्ते लगते हैं, जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। पटरियों को इधर उधर नहीं होते हैं, अपनी जगह पर रखने में उसको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्लीपर। तो 19वीं सदी की शुरुआत तक इंग्लैंड में बलूत, बलूत यानी ओक को कहते हैं, बलूत यानी ओक के जंगल लुप्त होने लगे थे, और इसकी वजह से शाही नौसेना के लिए लकड़ी की आपूर्ति में मुश्किल आ खड़ी हुई थी। जो शाही नौसेना होती थी ना, उनको लकड़ी चाहिए थी क्या बनाने के लिए, जहाज बनाने के लिए। तो मजबूत और टिकाऊ लकड़ी की नियमित आपूर्ति के बिना अंग्रेजी जहाज भला कैसे बन सकते थे, और जहाज़ों के बिना शाही सत्ता कैसे बचाई और बनाए रखी जा सकती थी। उस समय में जो है जहाज़ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता था सत्ता को चलाने के लिए, सत्ता को बचाने के लिए। तो 1820 के दशक में खोजी दस्ते हिंदुस्तान की वन संपदा का, क्योंकि वहाँ पर जो है बलूत के जो वृक्ष थे वो लुप्त होने लग गए थे, तो जो खोजी दस्ते थे वो कहाँ भेजा गया, हिंदुस्तान भेजा गया, और वहाँ की वन संपदा का अन्वेषण करने के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ की जांच पड़ताल की जा सके। और एक दशक के भीतर बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने लगे। भारत में भी क्या हुआ, बहुत तेज़ी से जो है पेड़ काटे जाने लग गए, और भारी मात्रा में लकड़ी का हिंदुस्तान से निर्यात होने लगा। 1850 के दशक में रेल लाइनों के प्रसार ने, और 1850 के दशक में जब रेल लाइन का प्रसार किया गया, तो उससे लकड़ी के लिए एक नई तरह की मांग पैदा हो गई। तो अब उसमें भी लकड़ियों की डिमांड चाहिए थी, पहले तो पानी के जहाज बनाने के लिए और अब रेल लाइन बिछाने के लिए। तो शाही सेना के आवागमन की और औपनिवेशिक व्यापार के लिए रेल लाइनें अनिवार्य थी। एक तो रेल लाइन किस लिए चाहिए थी, एक तो शाही सेना के आने जाने के लिए, और दूसरा व्यापार के लिए रेल लाइन बिछाने के लिए। तो इंजनों को चलाने के लिए ईंधन के तौर पर और रेल की पटरियों को जोड़े रखने के लिए स्लीपरों के रूप में लकड़ी की भारी ज़रूरत होती थी। एक मील लंबी रेल की पटरी के लिए 1760 से 2000 स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती थी। 1760 मीटर से 2000 मीटर तक के जो स्लीपर होते थे उसमें स्लीपरों की एक मील लंबी जो है रेल की पटरी के लिए इतने जो है स्लीपरों की ज़रूरत पड़ती थी। तो भारत में रेल लाइनों का जाल 1860 के दशक से तेज़ी से फैला। 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर लंबी लाइनें बिछाई जा चुकी थी। 1946 में इन लाइनों की लंबाई 7,65,000 किलोमीटर तक बढ़ चुकी थी। रेल लाइनों के लिए प्रसार के साथ साथ बड़ी तादाद में पेड़ भी काटे गए। अकेले मद्रास प्रेसिडेंसी में 1850 के दशक में प्रतिवर्ष 35,000 पेड़ स्लीपरों के लिए काटे गए। सरकार ने आवश्यक मात्रा की आपूर्ति के लिए निजी ठेके दिए। इन ठेकेदारों के बिना सोचे समझे पेड़ काटना शुरू कर दिया। रेल लाइनों के इर्द गिर्द जंगल तेजी से गायब होने लगे।